हाँ जी, ये इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि गिवन डेटा में, गिवन फ्रीक्वेंसीज में कौन सी वैल्यू आपकी ऐसी वैल्यू है जो सभी को रिप्रेजेंट करे, यानी एक कॉमन वैल्यू जो सभी को रिप्रेजेंट करे, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ऐसी वैल्यू निकालना जिससे आपकी सारी वैल्यू मतलब रिप्रेजेंट करे, यानी एक एवरेज निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा आपने, एक एवरेज वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लेके आनी है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ फिगर्स। ठीक है, और ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम कंसंट्रेट ऑन अराउंड इट, मतलब सारे उस पर फोकस करें, वो आपका होता है एवरेज। ठीक है, अब देखो अच्छे एवरेज की क्या क्या फीचर्स हैं, अभी देखना। फीचर्स है आपके सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड, वो आपके लिए मतलब आपको समझ में आना चाहिए वो, कि आपकी एवरेज क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई नहीं, सिंपल होना चाहिए, यूनिकली डिफाइंड हो, कोई इतना कुछ नहीं। आगे देखो, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी की सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, जब आप मीन निकाल रहे हो तब आप क्या करते हो, सारी वैल्यू को ऐड करके उसको डिवाइड करते हो, तो वो सभी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे एवरेजेज जो सारी फ्रिक्वेंसीज को साथ लेके चले, इकट्ठा करके चले, सब पर फोकस करे, तो वो आपका एक अच्छा एवरेज होता है। फिर आपका आता है शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि एक तो एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है और एक जेड पर्सन है। एक्स की इनकम है ₹10, वाई की इनकम है ₹15 और जो जेड की इनकम है वो आपकी है ₹1,00,000। इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड? अब बट इसका एवरेज निकालेंगे तब इसकी एवरेज इसको कुछ इस तरीके से निकालेगा, कुछ 33,000 समथिंग, 33,333 और ऐड कर दे तो कुछ इस तरीके के निकलेगी। जबकि यानी आपका क्या सभी की वैल्यू इतनी है, नहीं है, इसके तो बहुत सारी फर्क आ गया। तो यानी आपका मीन होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है एक्सट्रीम वैल्यू से। बस मैं एक ये बता रहा हूँ कि जो आपका एवरेज है वो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे बताऊँगा कौन होता है कौन नहीं होता। ठीक है, शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब आगे उसका कोई ना कोई यूज होना चाहिए, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए वो आपका यूज होता हो, मीन भी होता है, मोड भी होता है, आप देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से बात आई कि कौन कौन से मेजर है आपके, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो उस दिन आप सोल्व कर रहे थे कि कौन कौन से आपके मैथमेटिकल एवरेजेज है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैथमेटिकल आया था इन्होंने, एक्चुअली मैं बताऊंगा क्यों याद नहीं है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपके मैथमेटिकल एवरेज, इसमें तो कैलकुलेशंस होंगी मैथमेटिकली। और ये आपके पोजीशन बेस, पोजीशन बेस मीडियन और मोड, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू इन ए सीरीज। मैं आपसे पूछूं कि आप में सबसे बीच में कौन बैठा है, ठीक है, दूसरा मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बार क्लासेज में कौन आता है, तो ये क्या हुआ, मिडल वैल्यू मतलब मीडियन, मोड का मतलब जो आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंट चीज़ें होती है, बार बार कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो क्या होता है आपका मोड होता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 885, तो आपने क्या कहा, क्या आया था, 7 आपका आया था। बट जो मैं आपको भी समझाना चाह रहा था वो ये था, आपने सिंपल सी एवरेज का मतलब समझा इससे, अरिथमेटिक मीन से, जबकि देखो यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है एवरेजेस। अब इसका एवरेज ये भी हो सकता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन भी निकल सकता है, इसका हार्मोनिक मीन निकल सकता है, यानी वो टाइप्स ऑफ एवरेजेस है ये, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। मीडियन की बात करते हैं तो ये बना आपका 588, तो ये बन गया आपका, सिंपल सी बात है ना। मीन देखा आपने 7 आ रहा था, मोड आप निकाल सकते हो कौन सा, तो 8 आ गया। समझ में आई ना बात, तो जस्ट मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा था। अगर आपसे कोई कहे कि इन नंबर्स का एवरेज क्या है इन स्टैटिस्टिक्स टर्म में, आप मैथ में जाओगे तो मे बी वहाँ पर आपको एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि वो इतना डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप स्टैट के टर्म में पढ़ रहे हो तो एवरेज सिंपली ये नहीं है कि आप अरिथमेटिक मीन से एवरेज कहोगे। समझ में आ गई मेरी बात, क्या मतलब मीनिंग बताया मैंने, एवरेज बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि भाई आपका अरिथमेटिक मीन है, एवरेज का वाइडर टर्म है। और एवरेज के पार्ट आपने देखा कि मैथमेटिकल है, पोजिशनल है, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था।
तो ये आपके मैथमेटिकल एवरेजेज है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है कि भाई ये मैथमेटिकल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं एचपीएससी में मिलेंगे आपको ये, मतलब आप जॉब के लिए जाए तो उनमें भी मिलेगा ये आपके मैथमेटिकल, ये आपके पोजिशनल, क्योंकि ये पोजिशन बेस है ना, कौन सा आपका क्या है मोस्ट फ्रिक्वेंट है, ठीक है, कौन सा आपका बीच में है ये आप बताएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप जयपुर जा रहे हो, तो आप कहोगे कि बीच में कौन सी जगह है, तो कहीं आप यहाँ पर आप लंच कर लेंगे, या फिर आप रात में जाए तो डिनर कर लेंगे, तो ऐसा ही कुछ करते हैं हम कहीं जा रहे होते, तो वो मीडियन इसलिए काम आता है। हम देखिए जनरल टाइम में भी अपनी स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, देखिए आपकी जनरल लाइफ है उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है। अब देखो आप सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल में अरिथमेटिक मीन की, तीन सीरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं ऑर्डर एरे इंडिविजुअल सीरीज को, इसमें क्या है समीशन एक्स डिवाइड में एन निकल गया मीन, जैसे ये रहा आपके पास तीन एक दो तीन चार पाँच, इसका मीन क्या आएगा थ्री, मीडियन थ्री, मोड थ्री, हाँ कर दी ना एरर आपने, मोड कभी भी मैंने क्या कहा कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्या होती है हाईएस्ट रिपीटेड। अब ये आपने जो निकाला था जैसे आपने वहाँ पर वैल्यू थी 588, यहाँ पर आपने मोड इसलिए बताया था क्योंकि ये दो बार था, अब ये मान लो ऐसे होता 558 तब मोड क्या हो जाता 5, ठीक है। अब जब भी अगर ऐसी कोई सीरीज हो जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सब एक दो तीन चार ऐसे है, दो चार छः आठ सब कुछ इक्वल डिफरेंसेस पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें थ्री ऐसे हुआ क्योंकि आस आप इसका फॉर्मूले से निकालिए या आसपास वैसे निकालेंगे तो जो मोड आएगा वो आपका थ्री के आसपास ही आएगा, थ्री आएगा। मैं कह रहा हूँ लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है ना उसके अकॉर्डिंग आपका ये थ्री बनेगा, आप आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को भी, अदरवाइज जैसे फॉर्मूला ये होता है आपके पास क्या जो मोड होता है ना थ्री मीडियन माइनस में टू मीन होता है, ठीक है, थ्री मीडियन माइनस में, अब देखो थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस में टू मल्टीप्लाई थ्री, तो ये क्या बना नाइन माइनस सिक्स कितना आया थ्री, आ गया ना, ऐसे भी आता है। वैसे भी एक सीरीज आपकी कॉन्टिन्यू सीरीज है जैसे उसमें पता सभी के एक एक वैल्यूज है तो मीन मीडियन मोड बराबर होता है, कभी भी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केसेज में भी आपका थ्री आया, टू फोर सिक्स एट टेन, तो इसमें क्या आएगा सब कुछ सिक्स क्योंकि बीच में सिक्स आता है, तो मीन भी सिक्स आएगा, मोड भी सिक्स आएगा, सब कुछ आपका सिक्स आएगा, समझ में आया। मैंने कुछ नहीं बोला ना, देखो मैंने काउंट भी नहीं किया कि क्या इसका समीशन क्या आएगा, मैंने कहा टू फोर सिक्स एट टेन इसका सब कुछ सिक्स आएगा क्योंकि मैंने हिसाब लगा लिया कि मीडियन इसका सिक्स आ रखा है, ठीक है करके देख लो आप। टू क्या लिखा आपने, टू फोर सिक्स एट और टेन, टोटल बताओ कितना आया इसका थर्टी आ गया, और वैल्यू आपकी फाइव, तो मीन कितना आया सिक्स, मीडियन कितना आया सिक्स, मोड कितना आया सिक्स। कभी भी नॉर्मली चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तीनों चीज इक्वल मिलेगी वहां पे। अब देखना आपको ना स्टैटिस्टिक्स की बारीक से बारीक प्रॉपर्टी पता लग जाएगी अगर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ओके। अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में निकाल लो तो समीशन एक्स करो डिवाइड में एन करो, डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट में क्या कहा गया, मैंने कहा कि ये इधर लिख दिया मैंने मार्क्स, ठीक है मार्क्स को यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा एक्स के से डिनोट किया जाएगा, मैंने कहा कि एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितने लोग हैं इसके, मैंने कहा कितने ऐसे बंदे हैं 40 नंबर वाले, कितने बंदे कहा आपने पाँच, मैंने कहा 20 वाले आपने कहा 10, तो ही आप फ्रीक्वेंसी लो और लेना चाहो ले लो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे एफ एक्स दोनों की मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 5 200 और 200 400 डिवाइड में आपका एफ की फ्रीक्वेंसी डिवाइड में 15 400 डिवाइड में 15, तो ये फॉर्मूला क्या बना समीशन एफ एक्स डिवाइड में समीशन है। पॉइंट क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या था आपका पास, आपने देखा था कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या थी आपकी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, और मैंने मान लो लिखा 20 से 30, और इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी इसकी 5, इसकी आई 4, इसकी आई 2, फिर इसकी मिड वैल्यू और निकाल लो, मिड वैल्यू आई आपकी 5, 15 और 25, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप लिख दीजिए एफ, तो एफ एम डिवाइड में एफ, ठीक है इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नहीं आते बस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है इससे आ जाएगा आएगा तो कुछ, ठीक है। अब देखो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें चलेगी आपके पास, आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे आप दो स्टूडेंट ये और तीन इधर के ले लिए, दो और तीन कितने हो गए मेरे पास
ठीक है, तो दोनों का मान लो मीन, आपके मार्क्स का मीन आया, आपके दोनों मार्क्स का मीन आया 60% आ गई आपकी, 60% दोनों की, ठीक है, और आप तीनों के परसेंटेज आ गई आपकी मान लो 70, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका मीन फर्स्ट और ये आपका मीन सेकंड, दोनों का आ गया ना ग्रुप का। यहाँ पर आपके एन कितने थे 2 और यहाँ पर एन 2 कितने थे 3। अब कंबाइंड मीन निकालना है ना, तो सिंपल सा इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, जैसे 60 × 2 कितना आया 120 और इधर कितने का 70 × 3 कितना आया, दोनों को ऐड कर दो और n1/n2, 2 और 3, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आई समझ में, ये क्या बना n1 x1 मीन फर्स्ट n2 x2, ठीक है, आया समझ में या नहीं। ये देखो आपके सामने है ये वाला कि 60 ये लिखा हुआ है कि मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स की जो मेन हाइट है वो 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। n1 हो गया ना, ये n1 हो गया, ये आपका मीन 1 हो गया, n2 के आपके पास n2 हो गया आपके पास 35 और इसकी जो हाइट है वो 58, ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे लिख दिया आपके पास 25 + 35 निकल के आ गई, इसकी जो हाइट है 59.25 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझ में हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। और दूसरा देखो, एक करेक्टेड मीन से अनकरेक्टेड या अनकरेक्टेड से करेक्टेड मीन, देखो एक क्या लिखा खुद आपने ना इसको, मेरे सोल्व करने से पहले आपने इसको ट्राई करना है, इधर देखना नहीं है, मीन है ना 100 आइटम्स का जो मीन है वो 80 आ गया, लेकिन गलती क्या हो गई, बाय मिस्टेक एक आइटम है उसको 92 पढ़ लिया गया इंस्टीड ऑफ 29, मतलब वो आइटम था तो 29 लेकिन उसको पढ़ लिया गया 92। एंड हाउ टू कैलकुलेट जो आपका करेक्ट मीन है वो, देखो आपने क्या किया, आपकी एरर ये हुई है कि 92 को ऐड कर लिया जबकि था कितना 29। तो सिंपल सी एक चीज़ करो, क्या इसकी वैल्यू कितनी है 100 और इसकी आपकी 80, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 × 80, तो कितना आ गया आपके पास 8000। इसमें से जो रॉन्ग वैल्यू है ना जो कि 92 है उसको तो माइनस कर दो और जो करेक्ट है उसको ऐड कर लो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास और ये देखिए ठीक है करेक्टेड मीन निकल जाएगा। समझना इस कंसेप्ट को भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोनों बेसिस पे, ठीक है। हाँ आगे देखिए, आपके पास जो आया अब आया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। देखो मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक मीन की, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। क्या लिखा आपने, देखो मैंने अभी एक वैल्यू दी थी 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी इसी को ले लो या कोई भी आप वैल्यू बोल सकते हो, मैंने बोला 2, 4, 6, 8 और आपका 10, ये बेसिकली ये पहले तो होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज है ये। इधर इसका मीन क्या आएगा, मीन क्या आएगा 6, समीशन एक्स तो हो गया 30, एन हो गया 5 और मीन कितना हो गया 6। और आप देखो इधर आप करो एक्स माइनस मीन, ठीक है एक्स माइनस मीन किया और लिखा 2 − 6, 4 − 6, 6 − 6, 8 − 6, 10 − 6 और ये जो वैल्यू आएगी ना एक्स माइनस मीन इज हमेशा जीरो रहेगी, करके देख लो, कोई और वैल्यू ले लेना उससे मीन निकाल लेना, ये वैल्यू हमेशा जीरो आती है अगर आपने क्वेश्चन किए हो तो, है ना, हमेशा क्या आएगी जीरो। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पढ़िए सम, सम मतलब ये टोटल ऑफ द डेविएशन, डेविएशन है ना इसे डिफरेंसेस मतलब डेविएशन ऑफ द आइटम्स, आइटम्स का कहाँ से अरिथमेटिक मीन से, अरिथमेटिक मीन से दे रहे हो ना डिफरेंसेस, इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी समझिए, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है क्या, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। ये देखो ये प्रॉपर्टी क्या आपकी, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। देखो आपने क्या किया, यहाँ लिखा आपने x, यहाँ लिखा आपने x माइनस मीन और यहाँ लिखा x माइनस मीन का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर करोगे ना ये आपका मिनिमम आएगा, किससे मिनिमम आएगा, जब आप अज्यूम मीन के साथ ले लो, देखो कैसे दिखाता हूँ। आपने क्या लिया, आपने इधर वैल्यू ले ली,
यानी आपने एक्स एक्स की वैल्यू बोलो आप कुछ भी ठीक ठीक सी बोलना, टू और नहीं वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टू आपने लिखा, थ्री आपने लिख दिया, एट आपने लिख दिया, इलेवन और बोलो फिफ्टीन, वैल्यू कितनी होगी, टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स आ गया और नंबर फाइव हो गया, दो वैल्यू और बोलो, थर्टी सिक्स मैंने लिख दिया इसको, सेवन फोर्टी थ्री और फिर मैंने लिख दिया फाइव, फोर्टी एट हो गया, इसको मैंने सिक्स मान लिया तो फोर्टी टू हो जाता है ना, फोर्टी टू हो जाता है और नंबर हो गया आपके पास सिक्स, ये हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आया कि एन तो हो गए सिक्स, समीशन एक्स हो गया आपके पास 42 और मीन हो गया आपके पास 7, ये वैल्यू आ गई। एक ये वैल्यू निकालो एक्स माइनस मीन, तो देखो 2 माइनस 7 क्या आया आपके पास, माइनस के 5, 3 माइनस के 7 माइनस के 4, 8 माइनस 7 प्लस के 1, 11 माइनस 7 क्या है प्लस के 15 माइनस में 7 प्लस के, और ये आया 6 माइनस 7 माइनस के 1, और इसका सम करोगे तो क्या आएगा, देखो आप क्या जीरो आ रहा है या नहीं, ये देखो ध्यान से देखो, ठीक है 45 सम आ रहा है इसका, हाँ 6 को आप क्या ले ले 2 ले, तब ठीक है पक्का, 45 में से 4 कम करे तो 41 आते हैं, दोबारा करो 5 8 13 13 24 36, ठीक तो आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है ये 15 है ये, ओके तो अब आपके हो गए 42, तो 2 माइनस में 7 तो ये कितना है आपके पास माइनस के 5, अब वैल्यू देखो क्या जीरो आ रही है, अब वैल्यू जीरो आ रही है नहीं आ रही है, ये आपके पास माइनस 5 या माइनस 4 कितना है माइनस 9 और ये माइनस 4 माइनस 14, ये क्या आया, ये आपके पास है प्लस 4 प्लस 1 और ये आपके प्लस 8, ये भी कितने आ रहे हैं आपके पास 14 तो नहीं आया 13 है, ठीक है ये 3 कर लो, ठीक है 3 करने पर ये आपके क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस के 4, अब ठीक आ जाएगा माइनस 13 माइनस, ठीक है ये चीज़ निकाल ली। अब दूसरी चीज़ क्या आई आपके पास, अब इसका निकालिए स्केयर, एक्स माइनस मीन का स्केयर निकाल दिया, स्केयर करते ही आपका आया जैसे प्लस हो जाएगा अपने आप 25 9 ये क्या आया 1, ये आया आपके पास क्या है 4 16, ये आपके पास क्या है 64 और ये क्या आपके पास 16, टोटल करो हाँ तो 16 ही तो क्या है, अच्छा ये ठीक है 16, तो बताइए कितनी वैल्यू आई इसकी, जो आपका सम आया है एक्स माइनस मीन का सम ये आया आपका 138, ठीक है। अब देखो मैं लेता हूँ अज्यूम मीन से, एक्स माइनस अज्यूम मीन मतलब अज्यूम मीन, अज्यूम इसमें से किसी को भी मान लो आप अज्यूम मीन, बताओ किसको माने, मैंने कहा कि 11 को आपने मान लिया अज्यूम मीन, किसी को मान से 2 को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो इसलिए माना जाता है कि जो आप आसपास किसी वैल्यू इसलिए आप मान लेते हैं, तो आपने लिखा 2 माइनस में 11, 3 माइनस में 11, उसके बाद 8 माइनस में 11, 11 माइनस में 11, 15 माइनस में 11 और आपका 3 माइनस में 11, ये वैल्यू आई आपके पास, ये आपके पास आया 9, ये आपके पास आया 8, ये आपके पास आया माइनस के 3 और ये आपके पास आया 0, ये आपके आया प्लस के 4 और ये आपके पास आया माइनस के, माइनस के तो है ना, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इसका ये जीरो नहीं आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगी लेकिन जीरो नहीं आएगी क्योंकि प्लस की एक ही वैल्यू है, प्लस की एक ही वैल्यू है ना, बाकी सब माइनस है, तो देखो इसका जीरो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ इसका स्क्वायर करो, इसका आया 81, इसका आया 64, इसका आया 9, इसका आया 0, इसका आया 16 और इसका आया 64। अब देखो इसका जब हम सम करेंगे तो वो 138 से वैसे ही दिख रहा है कि ज़्यादा आएगा क्योंकि 81, 64, 16 और 64, बात समझ में आई आपको, इसकी वैल्यू करके देख लो।
अब ये नहीं कि अगर मैंने इसको 11 आपका जूम इन माना तब आया, आप सिर्फ 8 को जूम इन मान के देख लो तब भी आपके इससे 138 से ज़्यादा ही आएगा। क्या आया? 234। यानी कि ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन अरिथमेटिक मीन चाहिए, मिनिमम आएगा। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी क्लियर है? और ये वाली प्रॉपर्टी अब से कुछ भी मान लेते हैं आप। ओके वापिस आ जाओ आप। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको, ये भी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, कंबाइंड मीन की, वो भी अभी मैंने बताई आपको, क्लियर हो गई है। फोर्थ आपकी देखो, फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है इफ ईच आइटम इन ए सीरीज इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई सम कॉन्स्टेंट। आपने क्या किया, एक सीरीज के आइटम को, एक सीरीज के आइटम को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ भी कर दिया हो आप, क्या आपको सिंपल क्या करना है, उतने ही सेम कॉन्स्टेंट से आप अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी कर रहे हो उसमें कर दो। कैसे? देखो पहली बात तो आप एक चीज समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स में एक चीज होती है क्या, कि जो प्लस है, प्लस और माइनस, इसको क्या बोला जाता है, इसको तो बोला जाता है आपका ओरिजिन, ठीक है। दूसरी चीज आपने पढ़नी है क्या, जो आपकी डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, इसको क्या बोला जाता है, स्केल, ठीक है। और जो मीन है ना, जो क्या, कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन, ये चारों पर क्या है आपका, डिपेंडेंट। कैसे? देखो ध्यान से, एक सीरीज आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 अभी पढ़ी आपने, इसका मीन क्या आया, इसका देखो, इसका एन तो हो गया आपके पास 5, समीशन एक्स आ गया आपके पास 30 और मीन आ गया 6। यही बात पढ़ी है ना। अब आपने क्या किया, अब देखो एक ये चीज, ये तो x है, अब आपने क्या किया, x में ना आप प्लस में 1 कर दो, एक तो ये चीज कर दी, एक कर दो x में, x में माइनस कर दो, x में क्या कर दो, माइनस कर दो, कितने करोगे, 2 कर दिया, माइनस कर दिया 2। एक और काम करो, x में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कितने से, चलो 3 से कर दिया, ठीक है। और एक्स को डिवाइड कर दो, कितने से कराएं, 2 से करा दिया, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, इसको क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, इसमें प्लस 1 करो, तो इसमें लिखा 3, 5, 7, 11 या वापिस आ जाओ। इसमें माइनस करो, कितनी आती है, 0, 4, 6 और 8। ओके यहाँ पे आ जाओ, x को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। और इधर लिखो, x को डिवाइड करो 2 से, तो आया आपका 1, 2, 3, 4 और आपका 5, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने इसका आंसर अभी मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, ऐड वेड कुछ नहीं किया, मैं सिंपल सी एक चीज़ करूँगा, जो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही ना, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि मीन 6 है, यहाँ पर प्लस 1 कर दो, अब मीन ना आपका आएगा 7, पहली चीज़। यहाँ पर माइनस 2 हो रहा है, तो मीन में भी से भी माइनस 2 कर दो, यहाँ पर आपका मीन आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करो, मीन आ गया, मीन आएगा 18। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 3। और अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, करो शाबाश। आपने एक चीज़ देखी, आपने चीज़ क्या देखी, कि आपकी ओरिजिन और जो स्केल के साथ आपने काम किया और रिजल्ट आपका सेम उसी में आया। तो देखो मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने प्लस किया तो मीन पे फर्क पड़ा, प्लस किया तो मीन पे फर्क पड़ा, माइनस किया तो मीन पे फर्क पड़ा, डिवाइड किया तो मीन पे फर्क पड़ा, और मल्टीप्लाई किया तो भी मीन पे फर्क पड़ा। तो हम कंक्लूड करके एक बात कहेंगे कि मीन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड, तो
आगे से समझोगे कि ओरिजिन क्या होता है। मैं आगे अगर आगे आएगा फिर से ओरिजिन और स्केल, तब मैं आपसे फिर पूछूंगा कि ओरिजिन क्या होता है, स्केल क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ये भी क्लियर हो गई ना, ठीक है। और एक ये देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि जब आप मीन को एन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन को एन के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो समीशन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक और बात, इफ ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन, देन द सम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द, ये देखो ऐसे कहना चाहता है। ये देखो ये एक आपकी वैल्यूज है और मीन किसका कितना है इसका, सिक्स। अपना सबको आप सिक्स 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 लिख दो, यानी इसको भी सिक्स लिख दो, इसको भी सिक्स लिख दो, इसको भी सिक्स लिख दो, इसको भी सिक्स, इसको भी सिक्स लिख दो, तो इसका जो सम आएगा ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्टी आएगा, देख लो आप। कहने को तो आसान सी प्रॉपर्टी है, बट जब एग्जाम में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलत भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आप करिए कि आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, ये कह रहा है कि अगर आप आइटम को रिप्लेस कर दे, देखो ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज रिप्लेस बाई दी एक्चुअल मीन, सिक्स से आपने रिप्लेस कर दिया, देन दी सम ऑफ दी सब्सटीट्यूशन, यानी जो सब्सटीट्यूट किया उसका जो सम आएगा विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ दी इंडिविजुअल आइटम। 30 और 30 दोनों का इक्वल आया है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सारी आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी बिल्कुल आसान सी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑलवेज जीरो, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, स्क्वायर आपका मिनिमम आएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन आपका मिनिमम, कंबाइंड मीन हाउ टू कैलकुलेट ये देख लिया, फिर आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का देख लिया, एंड लास्ट वन इज द कैसे आपका टोटल निकलता है और आपका कैसे वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी की रिप्लेस कर दे। अब इसकी मेरिट्स क्या है अरिथमेटिक मीन की, देखो अरिथमेटिक मीन ना सबसे बेस्ट आपकी स्टैटिस्टिक्स है, याद रखेंगे ये बात, सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिक्स। कोई पूछा जाए ना कि आपने आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिक्स किया, तो कहेंगे अरिथमेटिक मीन। आपको अब ये भी कहना आ गया होगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि एवरेज और मीन सेम होता है, ठीक, बात क्लियर हो गई आपको, मेरी बात समझ में आ गई ना, आप ये नहीं कहेंगे कि एवरेज और मीन आपके सेम होता है। अरिथमेटिक इन जस्ट वन पार्ट ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब इसमें क्या है आपके पास अरिथमेटिक मीन में, अरिथमेटिक मीन आपका बेस्ट मेथड है, और बेस्ट क्यों है याद रखेंगे, किसी को नहीं पता, आप पहली बार पढ़ रहे हो ये, जिसने पहली बार क्लास लगाई, बेस्ट मेथड बिकॉज इट इज ब्लू मॉडल। अब ब्लू की फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म मोनी, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। देखो ये अनबायस्ड है, अब आपके जितने भी मार्क्स है आपके हैं उसमें किसी तरीके की चेंजेस मीन करता ही नहीं है, चाहे आपके मार्क्स हो 100 चाहे आपके मार्क्स हो 0, सभी को एवरेज करके देगा। आपके एक सब्जेक्ट में 90 है और एक सब्जेक्ट में आपके 20 है, तो ये नहीं करेगा कि आप 20 वालों को छोड़ दोगे, सारे को लेके चलेगा, तब आपका एवरेज निकल जाएगा। तो क्या ये आपका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट, तो ये आपका क्या होती है बेस्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे है या नहीं है, तीनों के मार्क्स है तो तभी एवरेज निकलेगा, ओके। आगे इसके बेसिस पे बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स निकलती है, आगे हम देखेंगे बहुत सारी, मतलब मीन के बेसिस पे ही हर चीज निकलती है, एवरेज के बेसिस पे, ठीक है। एक और दूसरी बात है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, पोजिशन के बेस पे नहीं, ये भी इसकी एक मेरिट है। और ये फ्लैक्चुएशन लीस्ट अफेक्टेड होता है सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन, मतलब आपका जैसे मार्क्स है इनको रिप्लेस करके इस पे रख दिया, सैंपल में चेंजेस आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आया इसकी, देखो इसकी मेरिट से ज़्यादा डीमेरिट इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किससे किया जाता है, किसे कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होता ग्राफिकली, ये आप याद रखेंगे, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस में से एक है। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से, देखो इसकी मेरिट से ज़्यादा डीमेरिट से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये कि हाईली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। अभी मैंने आपको समझाया था कि दो पर्सन है, एक की इनकम 10 रुपये, एक की 20 रुपये, एक की 1 लाख रुपये इनकम एवरेज 33,000 पे लेके चला गया। अब और छोड़ दीजिए मेरी इनकम और मान लीजिए किसी मुकेश अंबानी की इनकम मान लीजिए, वो दोनों का एवरेज करेंगे तो करोड़ों में चली जाएगी, ऐसा है नहीं, बात समझ में आ गई ना। तो एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सा होता है, अरिथमेटिक मीन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था शायद, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है अरिथमेटिक मीन, और सबसे कम कौन सा होता है,
सबसे कम कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन, और बीच में होता है हार्मोनिक मीन। अब बात आई कि क्या जो आपके मीडियन और मोड है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट पड़ेगा, पोजिशनल एवरेज पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, आप बीच में बैठे हो, आप एक एवरेज हो, मान लो मीडियन हो आप, इधर कितनी लंबी लाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिडल तो आपका वही है ना, बात समझ में ना, इधर के कहाँ तक हो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उन वैल्यू की देखो, देखो ध्यान से, जयपुर है और एक चंडीगढ़ है, आप रोहतक को सेंटर में हो, ठीक है, जयपुर कितना रिच है वो कितना रिच है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सेंटर निकालना था, सेंटर रोहतक निकल गया, गलती से निकल गया, कैसे भी निकल गया, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आया एक्सट्रीम वैल्यू से कभी भी पोजिशनल एवरेज इफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ आपके मैथमेटिकल होते हैं। तो मैथमेटिकल में जैसे सबसे ज़्यादा होता है आपका अरिथमेटिक मीन, और सबसे कम ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद मतलब हार्मोनिक मीन, ठीक है। दूसरा आता है कभी भी ओपन एंडेड सीरीज में कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीरीज लिख दी, लेस देन फाइव, मोर देन एट, कुछ भी लिख लो, क्या पता कितना लगेगा, कितनी वैल्यू है, बताओ, नहीं निकलेगा ना ओपन एंडेड सीरीज, जब तक आपको एक्चुअलिटी में नहीं पता लगेगा। हमने निकाला, देखो हमने वहाँ निकाला, इंडिविजुअल सीरीज में निकाल लिया, डिस्क्रीट में निकाल दिया, कॉन्टिन्यूस में निकाल लिया, लेकिन हमें मिड वैल्यू चाहिए थी, एफएम मिड वैल्यू चाहिए थी, इसमें नहीं मिलेगी आपको, है ना। अब लेस देन फाइव तो कितने ही ले जाओ आप, पता ही नहीं लगेगा कितना, कहाँ से शुरू करें, जीरो से करें या माइनस से करें, कहाँ से करें, तो ये इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। और दूसरा ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी एक आपको बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। और कोई अगर एक भी वैल्यू आपकी नहीं है ना, एक भी वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने उसमें एग्जाम में क्वेश्चन किए थे जब आप टेंथ में थे, जैसे मान लो हमारे पास ना पाँच हो, मुझे चार के नंबर मार्क्स पता है लेकिन एक के नहीं पता, मैं मीन कैलकुलेट कर दूंगा, नहीं, अगर मेरे पास पाँचों के नंबर नहीं होंगे तो मैं मीन कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो ये इसी कुछ डिमेरिट्स है। ये कहता है कि मिसलीडिंग, मिसलीडिंग जैसे रिजल्ट कैसे, अब ऐसे मान लो, ऐसे मान लिया आपने कि दो भाई है, एक भाई के दो बच्चे हैं, एक भाई के तीन बच्चे हैं, कितने हो गए, एवरेज कितना हुआ, टू पॉइंट, तो ऐसा हो सकता है कि ढाई ढाई बच्चे हुए दोनों के, तो ये इसकी एक लिमिटेशंस में से, ठीक है, आगे समझ गए। हाँ वो तो स्टैटिस्टिक्स पूरी नहीं करेगी आगे, ठीक है। वो वेटेड मीन, आप देखो एक और चीज, वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसको मैंने वेट दे दिया फाइव, फिर उससे कम है फोर, फिर उससे कम थ्री, फिर टू, फिर वन, एंड देन फिर मल्टीप्लाई कर दिया और वेट को टोटल कर लिया, ये देखो, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, अरिथमेटिक मीन, समझ में आया होगा, ठीक है।